आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में एंड द टनेज कैलकुलेशन के बारे में। कल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है जिसको हम लोग स्पेसिफाई किससे करते हैं, अबाउट द टनेज, टनेज से। आज हम लोग ये सीखेंगे कि व्हाट इज द टनेज, टनेज होता क्या और हाउ वी कैलकुलेट द टनेज कैलकुलेशन, टनेज की कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करते हैं। सी, यहाँ पर आपको एक मोल्ड नजर आ रहा है, राइट? मतलब ये मोल्ड किसी कंपोनेंट के लिए बना है, इसका मतलब ये किसी एक स्पेसिफिक मशीन में लगेगा। क्लियर हुआ? इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में आज हम लोग समझने वाले, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि टनेज ऑफ मशीन के बारे में हम लोगों को समझना है कि भाई टनेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। शॉर्ट कैपेसिटी के बारे में समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा, टनेज निकालना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग, टनेज निकालना पड़ेगा। चलिए तो टनेज कैलकुलेशन को हम लोग समझते हैं। देखो, जैसे अगर मैं मोल्डिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी अगर एक्स वाई जेड आपके पास कोई मोल्ड है, आपके पास अगर कोई भी मोल्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोर है और ये फॉर एग्जांपल कैविटी है और इसके अंदर कोई इम्प्रेशन है लाइक दिस, ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द कंपोनेंट इम्प्रेशन, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये जो आपका पार्टिंग लाइन है, तो यहां पर क्या पढ़ना चाहिए, एक लेंथिंग फोर्स पढ़ना चाहिए, मतलब ये जो कोर और कैविटी एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा ताकि ये मोल्ड यहां से खुले ना, राइट और रॉन्ग, टेल मी, क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई करेगा। अरे मोल्डिंग मशीन क्या करेगी, क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई करेगी ना इस मोल्ड के ऊपर, एक एक फोर्स जो रहेगा वो यहां से रहेगा और यहां से रहेगा, यस और नो? तो ये क्लैंपिंग फोर्स किसके अगेंस्ट होना चाहिए भाई, ये किसके अगेंस्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए प्रेशर के। अब जैसे अगर एग्जांपल के लिए भाई यहां से मटेरियल अगर एंटर करेगा, अगर यहां से मटेरियल एंटर करेगा तो मतलब मटेरियल अगर मैं यहां से एंटर करूंगा तो इसके अंदर मटेरियल भराएगा और ये इसको प्रेशर प्रोवाइड कराएगा, ये प्रेशर देगा इसको, और बेसिकली क्या रहेगा, ये जो प्रेशर रहेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, मतलब ये इसको क्या कर देगा, खोलने की कोशिश करेगा। बेसिकली दिस प्रेशर इज ट्राइंग टू ओपन द मोल्ड, बेसिकली क्या करेगा, ये मोल्ड को ओपन करने की कोशिश करेगा, राइट? तो ये क्या रहेगा, इसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो क्लैंपिंग फोर्स क्या होना चाहिए, इंजेक्शन प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, राइट और रॉन्ग, राइट? ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि भाई मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होना चाहिए, अच्छा वो फोर्स कहां पर पड़ रहा है, वो पड़ रहा है कंपोनेंट के प्रोजेक्टेड एरिया पर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो कंपोनेंट है वो इस तरह से कंपोनेंट है, ठीक है, अगर मैं इसको अगर इस टॉप व्यू है मेरा, ये टॉप व्यू है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो कितने एरिया पर पड़ रहा है, वो इतने एरिया पे पड़ रहा है, राइट? तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द एरिया और दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया, राइट और रॉन्ग, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। तो इस एरिया पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, राइट? तो हमको क्या निकालना है, उस फोर्स को निकालना है, जो कि ये क्लैंपिंग फोर्स, हमको रिक्वायर्ड क्लैंपिंग फोर्स निकालना है, मतलब बेसिकली हमको एक फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। अरे अगर मैं प्रेशर पूछूंगा तो प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स क्या हुआ, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, राइट? तो जो भी मशीन का जो भी प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर है, वो आप यहां पर पुट अप करो, कंपोनेंट का जो भी एरिया रहेगा वो यहां पर आप पुट अप करो, यू विल गेट द फोर्स। और आपका जो फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ऐड करके बताना चाहिए आपको, कि आप मतलब मान के चलो आपका जो फोर्स निकला वो एक्स निकला, तो एक्स प्लस 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 10% वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, नहीं समझ में आया। अरे भाई ये जो मैंने फोर्स निकाला है किसके अगेंस्ट निकाला, मैंने निकाला कि भाई इसके ऊपर अगर ये प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो कितने एरिया पे पड़ रहा है, तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो आपको क्या मिला, एक फोर्स मिला। लेकिन ये वाला जो फोर्स रहना चाहिए वो इससे कम होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? चलो एक बार फिर से, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर मेरे पास कोई मोल्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है मेरा ये कोर है, ये मेरे पास ये कोर है और ये मेरा कैविटी है, ठीक है, और ये मेरा कंपोनेंट है और मैं यहां से मटेरियल को फील कर रहा हूं, तो यहां से अगर मैं क्या करूंगा, इंजेक्शन प्रेशर प्रोवाइड कराऊंगा, तो मटेरियल इसके अंदर फीड हो रहा है तो ये इसके ऊपर प्रेशर प्रोवाइड कराएगा, मतलब ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया है, ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया है, इस एरिया पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, राइट?
तो ये एरिया पे प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। फोर्स कितना हो रहा है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, यही अप्लाई हो रहा है। तो ये जो मेरा क्लैंपिंग फोर्स होना चाहिए वो किससे ज्यादा होना चाहिए, इस पे लगने वाले फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये क्लैंप रहेगा, नहीं तो क्लैंप क्यों रहेगा भाई, है कि नहीं, इससे ज्यादा होना चाहिए। चलो आसान भाषा में सभी को समझ में आया, राइट। तो भाई ये जो फोर्स है ये इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर मान के चलो ये जो मेरा फोर्स है ये मेरा निकला फॉर एग्जाम्पल 25 टन, हाउ मच, 25 टन निकला, ठीक है। इसका मतलब 25 टन निकला तो मैं क्या 30 टन की मशीन ले सकता हूं, ले सकता हूं, है ना। चलो अगर मेरा ये फोर्स अगर मान के चलो 35 टन निकला, क्या मैं 30 टन की मशीन लूंगा, क्या नहीं, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मान के चलो इसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर अगर अप्लाई हुआ तो मुझे पता है कि मेरे इस कंपोनेंट को फेल होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये मोल्ड क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा, खुल जाएगा, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द प्रेशर, जो प्रेशर रहेगा ना मटेरियल का उसके फोर्स के कारण ये खुल जाएगा, क्योंकि ये मशीन कैपेबल नहीं है जो इतने फोर्स को झेल सके। चलो अभी समझ में आया, मैंने अभी आपको ओवरऑल कुछ चीज बताई, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। देखो तो बेसिकली टनेज कैलकुलेशन इज नथिंग बट, टनेज कैलकुलेशन में हम लोग क्या लेते हैं, किसी भी कंपोनेंट का प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो प्रोजेक्टेड एरिया लिया है वो क्या लिया है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ किसका प्रोजेक्टेड एरिया होता है भाई, रेक्टेंगल का। अच्छा अगर मैं सर्कल का बोलूं तो सर्कल का क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर भाई, कक्षा 7 है ना, कक्षा 7 में पढ़ा था ना हमने पाई आर स्क्वायर, है ना। नाउ वी आर इंजीनियर, हमको यह समझना पड़ेगा कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका क्या होता है, एल इंटू बी होता है, क्लियर है। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो लेंथ इंटू विड्थ मतलब ये दिस इज नथिंग बट दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया 350 जो यहां पर मैंने दिया है ना, दिस इज द प्रेशर, लेकिन ये जो प्रेशर जो मैं बता रहा हूं ना ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है यहां पर 350, क्लियर है, 350 जो है एग्जाम्पल के लिए। हर मशीन के लिए इंजेक्शन प्रेशर का रेंज अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे मान के चलो मिनिमम प्रेशर जो लगा रहा है वो 150 मेगा पास्कल लगा रहा है, और मैक्सिमम जो लगा रहा है वो 250 मेगा पास्कल लगा रहा है, तो मुझे जो प्रेशर लेना है वो मैक्सिमम लेना है, क्लियर हुआ, मुझे जो लेना है वो मैक्सिमम प्रेशर लेना है। इंजेक्शन प्रेशर का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में रहेगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में रहेगा, या फिर आप उसको बोल सकते हो मेगा पास्कल में रहेगा, बता सेम यूनिट, ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब एक न्यूटन, मतलब एक बोल सकते हो कि भाई एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रेशर, तो प्रेशर बोलेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मतलब एक एमएम स्क्वायर पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मेगा पास्कल, क्लियर है, तो बोथ आर सेम यूनिट, तो हम लोग मेगा पास्कल में क्या करेंगे, प्रेशर को लेंगे, क्लियर हुआ, ठीक है। एमएम में हम लोग क्या लेंगे, एरिया लेंगे, समझ में आया, ठीक है। 1 लाख से हम लोगों ने यहां पर डिवाइड करा फॉर कन्वर्टिंग इनटू टनेज, टनेज में कैलकुलेट करने के लिए, ताकि हम वैल्यू को टनेज में ले सकें, क्लियर हुआ। चलो अब एक काम, इसका समझ में आया कि नहीं, हाँ बिल्कुल, हाँ देखो हाँ टनेज हमको कैसे पता होगा, बिल्कुल सही, जैसे मान के चलो कस्टमर के पास है ना ऑलरेडी 30 टन की मशीन अवेलेबल है, ठीक है, और कस्टमर के पास 50 टन की मशीन भी अवेलेबल है, और कस्टमर के पास 80 टन की मशीन भी अवेलेबल है, तो भाई हर एक मशीन का एक प्रेशर ऑलरेडी डिसाइडेड रहेगा, हमको मशीन का प्रेशर पता रहेगा, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से प्रेशर नहीं ले सकते, क्योंकि मशीन के अंदर एक मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर ऑलरेडी है, जो उस जिस प्रेशर से मटेरियल को वो इंजेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो डाटा हमको कहां से लेना पड़ेगा, मशीन के डाटा से लेना पड़ेगा। कस्टमर हमको बोलता है कि सर 30 टन की और 50 टन की मशीन अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है, तो कस्टमर ने बोला सर 30 टन की जो मशीन मेरे पास अवेलेबल, चलो 80 टन की मशीन अवेलेबल है, और 80 टन की मशीन का जो मैक्सिमम प्रेशर है ना वो 250 मेगा पास्कल है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट का प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपोनेंट का प्रोजेक्टेड एरिया कितना आया, वो आया 5000 mm², ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई करा मैंने 250 से, ठीक है, डिवाइड मैंने करा 1 लाख से, तो मुझे क्या मिला, कुछ टनेज के कैलकुलेशन मिला,
अब टनल कैलकुलेशन, अगर वो 30 टन से अगर कम आएगा डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रेशर, अगर वो 30 टन से कम आया तो वो जो कंपोनेंट है हम लोग उस मशीन पे बना सकते हैं। अगर अगर नहीं आया तो क्या बना सकेंगे क्या, मतलब क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है ना उस मशीन के लिए। समझ में आया? देखो अगर मान के चलो कोई मशीन बेच रहा है फॉर एग्जाम्पल, राइट, कोई अगर मशीन बेच रहा है तो उसने तो एक मिनिमम और एक मैक्सिमम सेट करके रखा है ना। अब आपके हिसाब से अगर फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा, मतलब उसने बोला कि भाई 150 मेगा पास्कल तो मैंने रखा हुआ है, आप बोले बोले सर 150 मेरा कंपोनेंट बहुत बड़ा है वो बन नहीं रहा है, तो 150 मेगा पास्कल से हटाकर आप एक काम करो 50 मेगा पास्कल कर सकते हो क्या, जब उसकी लिमिट ही नहीं है वो, राइट, उस मशीन की मिनिमम लिमिट 150 मेगा पास्कल है, तो यू कैन नॉट सेट दैट प्रेशर टू द 50 मेगा पास्कल। तो ये जो डाटा है हमको कहां से लेना पड़ेगा, मशीन से लेना पड़ेगा ताकि हम लोग मशीन का सिलेक्शन कर सके। बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन करते हैं टनेज के लिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस कंपोनेंट के लिए एक मशीन का सिलेक्शन कर रहे हैं कि उस मशीन में वो बनना पॉसिबल है कि नहीं। एक बार जब हमारा मशीन का सिलेक्शन हो जाता है ना, उसके बाद के पैरामीटर हम लोग समझते हैं। आया समझ में? थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हुआ? हाँ, 350 इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहां पर, मैंने यहां पर 350 को हटाकर यहां पर इंजेक्शन प्रेशर लिख लो, क्लियर, इंजेक्शन प्रेशर रख लो, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। चलो इतना इतना समझ में आया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब क्या है, जैसे अगर मेरे पास कोई ना मोल्डिंग मशीन है, राइट, चलो अब एक काम करते हैं, मेरे पास एक कंपोनेंट है, मैं एक कंपोनेंट लेता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ये मेरे पास एक कंपोनेंट है। अब अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं तो इस कंपोनेंट के अंदर प्रोजेक्टेड एरिया कहां पर होगा, यू टेल मी, डिपेंडिंग अपॉन द लेआउट ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट को मैं किस तरह से रखूंगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट और रॉन्ग। अगर मैं कंपोनेंट को, जैसे मैं कंपोनेंट को ऐसे रखूंगा, मोल्डिंग मशीन ऐसी रहेगी, है ना, तो कंपोनेंट को मैं ऐसे रखूंगा, मतलब इसका जो कोर रहेगा वो यहां रहेगा, इसका जो कैविटी रहेगा वो यहां रहेगा, राइट और रॉन्ग। मतलब मैं अगर बोलूं कि भाई इसका जो ये टॉप व्यू है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द टॉप व्यू, ये क्या है भाई इसका, ये टॉप व्यू, मैं इसको यहां से देखूंगा, तो यहां से जब इसको मैं देखूंगा मशीन को, तो मटेरियल यहीं से इंजेक्ट होगा, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा तो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, तो ये अगर टॉप व्यू हुआ तो ये क्या हुआ इसका, प्रेशर, प्रेशर इज नथिंग बट दिस, सॉरी प्रेशर नहीं, ये है प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, क्लियर हुआ कि नहीं, प्रोजेक्टेड एरिया। तो अगर मैं बोलूं प्रोजेक्टेड एरिया मतलब क्या हुआ, कि भाई ये इस डायरेक्शन पे, ये ऊपर वाली डायरेक्शन से कितना एरिया है जिसके ऊपर इसका प्रेशर लगेगा, मटेरियल का प्रेशर लगेगा, ये वो वाला एरिया है, क्लियर है, ठीक है। तो मतलब मैंने बोला प्रोजेक्टेड एरिया मतलब इसको, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन दिख रहा है ना फ्रॉम हियर टू हियर, मैं इसको इसको एक प्लेन पे प्रोजेक्ट करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, एक प्लेन के ऊपर मैं प्रोजेक्ट करूंगा, तो मुझे इसका क्या मिलेगा, प्रोजेक्टेड एरिया मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर एक कैलकुलेटेड एरिया का करके एक मेरे पास कमांड है, तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, इस पर क्लिक करा मैंने, इसे एक स्पेसिफिक प्लेन ले लेता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया ओके, तो मुझे क्या मिला, एक प्रोजेक्टेड एरिया मिला। देखो क्योंकि इसके अंदर से कुछ पोर्शन को हटाएगा भी ना वो, अब प्रोजेक्टेड एरिया में ये जो ये कट है छोटे छोटे, इसको माइनस करेगा वो, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड एरिया में नहीं आ रहा है, यहां पर मटेरियल फील नहीं होगा, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो ये रहा इसका प्रोजेक्टेड एरिया, कितना है भाई, देखो एक्स डायरेक्शन में मोटर कंपोनेंट कहां तक जा रहा है, 146 mm तक जा रहा है, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना जा रहा है, 86 mm तक जा रहा है, राइट। और यहां पर ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है, इसका टोटल जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो कितना है, 10994, मतलब मैं बोल सकता हूं 11000, आई कैन से दैट, राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब मान के चलो कस्टमर के पास जो मशीन अवेलेबल है, कस्टमर के पास जो मशीन अवेलेबल है वो कितने कितनी कौन सी मशीन अवेलेबल है, चलो मैं एग्जांपल के लिए कस्टमर के पास जो मशीन अवेलेबल है, 1 मिनट, ठीक है, चलो ये कस्टमर के पास 30 टन की मशीन अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो कस्टमर के पास 30 टन की मशीन अवेलेबल है, तो यहां पर देखो जरा,
ये 30 टन की मशीन का स्पेसिफिकेशन है, क्लियर है। यहां पर अगर आप देखोगे ना तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। देखो इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर इन मेगा पास्कल, ठीक है। ये ए बी सी और डी जो दिया है, दिस इज द टाइप ऑफ मशीन, मतलब स्क्रू का स्पेसिफिकेशन है। स्क्रू का डायमीटर अगर मैं बढ़ाता हूं, जैसे 20 का डायमीटर है, ठीक है, तो इंजेक्शन प्रेशर ज्यादा रहेगा। देखो 244 मेगा पास्कल दिख रहा है। अगर मैं अगर इसका डायमीटर बढ़ा दूं, देखो तो क्या होगा, 202, थोड़ा और इंक्रीज कर दूं तो 156, थोड़ा और इंक्रीज कर दूं तो कितना जाएगा, 125। मतलब अगर मैं बोलूं कि 125 इज द मिनिमम प्रेशर, मतलब अगर मेरा कंपोनेंट का वेट अगर बढ़ता है ना, कंपोनेंट का अगर वेट बढ़ गया मेरा, फॉर एग्जांपल कंपोनेंट का वेट कितना है, 50 ग्राम के आसपास है, तो मेरा जो प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा। मतलब कंपोनेंट जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, मेरा प्रेशर उतना ज्यादा कम रहेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं? जैसे एग्जांपल के लिए शॉर्ट वॉल्यूम कितना है यहां पर, देखो शॉर्ट वॉल्यूम है यहां पर 35, क्लियर है, सेंटीमीटर क्यूब में, क्लियर है, वॉल्यूम 35 सेंटीमीटर क्यूब, 42 सेंटीमीटर क्यूब, 54 सेंटीमीटर क्यूब और 68 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं बोलूं कभी 68 सेंटीमीटर क्यूब मैं क्या कर सकता हूं, मैं कितना मटेरियल भर सकता हूं। चलो 0.90 किसकी डेंसिटी होती है भाई, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जल्दी से बताओ, पीपी के लिए डेंसिटी होती है। थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं, पीपी के लिए डेंसिटी होती है। अगर मैं शॉर्ट वेट निकालूं ग्राम में तो कैसे निकलेगा, ठीक है, मुझे बताओ। वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी 0.90, ठीक है, इसकी वो क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब 68 मल्टीप्लाई बाय 0.90 ग्राम। अच्छा कितना वैल्यू आया जल्दी बताओ, 68 मल्टीप्लाई बाय 0.90, तो मतलब 61 ग्राम मटेरियल में भर सकता हूं। तो 61 ग्राम मटेरियल किसका हुआ, पीपी मटेरियल का। नहीं समझ में आया? अरे भाई एक लोहे का ब्लॉक है, एक आयरन का ब्लॉक है, ठीक है, और उतना ही बड़ा ब्लॉक अगर मैं बोलूं पीपी का ब्लॉक है, मतलब प्लास्टिक का ब्लॉक है, तो दोनों में से भारी कौन सा होगा, ये मेटल है ये पीपी है, दोनों में से भारी कौन सा होगा, मेटल होगा। क्यों भारी होगा, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ना भाई, है ना। अब जैसे 68 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, तो 68 सेंटीमीटर के क्यूब के वॉल्यूम में एक काम करो, इस 68 को मल्टीप्लाई करो 7.85 से, 85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको क्या मिलेगा, एमएस का वॉल्यूम मिलेगा, स्टील का वॉल्यूम मिलेगा, मेटल का आपको ग्राम वो मिलेगा, वेट मिलेगा, वजन मिलेगा आपको उसका, राइट। लेकिन 0.90 से करूंगा तो मुझे पीपी का मिलेगा। यहां पर इसने वॉल्यूम दिया है, इस वॉल्यूम में किस चीज को भर रहे हैं हम लोग, प्लास्टिक को भर रहे हैं ना भाई, इसलिए मैंने 0.90 से करा, मतलब विच इज द डेंसिटी ऑफ द पीपी मटेरियल। तो मुझे क्या मिलेगा, कितने ग्राम मटेरियल में भर सकता हूं उसके अंदर, मुझे वो चीज मिल जाएगी। 30 टन की मशीन का स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं अभी, समझने की कोशिश करना, क्लियर है, ठीक है। इसका इंजेक्शन प्रेशर कितना है, 125। चलो भाई 125 अगर इंजेक्शन प्रेशर है, तो यहां पर मैं उस कंपोनेंट के लिए कितना था, 11000 मल्टीप्लाई बाय 125, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ, डिवाइड बाय 1 लाख, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, बताओ जल्दी से कितना हुआ। तो 27.5 टन आया, 10% मैंने इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जोड़ा, तो 10% कितना होगा 27.5 का, 2.7 होगा, जोड़ के देखो इसके अंदर कितना आएगा, 2.7 होगा, राइट। तो यू विल गेट 29.5 के आसपास, तो मतलब यू कैन सिलेक्ट 30 टन मशीन, आप 30 टन की मशीन ले सकते हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बाद भी उससे कम आ रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10% मैंने ले लिया ना, कि उससे 10% ज्यादा भी फोर्स लगेगा ना तो भी वो नहीं खुलेगा, तो मेरी 30 टन की मशीन क्या है, सिलेक्टेड है, इससे मैंने मैक्सिमम प्रेशर लिया है। देखो मैक्सिमम प्रेशर 244 था यहां पर, लेकिन मैंने तो 250 लिया है, और ज्यादा लिया है, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे लग रहा है ऐसा।
है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूजन अभी है, राइट। चलिए कहां पर कंफ्यूजन है मुझे बताओ। इस फॉर्मूले के अंदर एरिया मल्टीप्लाई बाय इंजेक्शन प्रेशर डिवाइड बाय 1 लाख फॉर कन्वर्टिंग द टनेज वैल्यू। प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू नथिंग बट प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। और हम प्रेशर की जो यूनिट लेंगे वो मेगा पास्कल में लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। अभी मैंने आपको एक सिंपल सी एक स्लाइड बताई, एक सिंपल सा फोटो बताया, जिसके अंदर 30 टन की मशीन का कुछ स्पेसिफिकेशन है ना, 30 टन की मशीन का स्पेसिफिकेशन है, जिससे आप ये निकाल सको कि भाई अगर आपके पास एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है। अब चलो एक काम करते हैं, मैंने अभी आपको चलो सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो कहीं पर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछो मेरे को ऐसे एक बार। टनेज कैलकुलेशन सभी को समझ में आया? चलो अगर मान के चलो कोई अगर कोई भी अगर सभी एमएम में काम करते हैं ना भाई, सभी एमएम में काम करते हैं, राइट। अगर कोई इंचेस में काम करता है अगर कोई गलती से, है ना, तो उनके लिए क्या है, 2.34 की वैल्यू को आप एक शॉर्टकट है, 2.34 की वैल्यू लो, ठीक है, पर स्क्वायर इंच। ठीक है, जैसे अगर कोई कंपोनेंट है आप स्क्वायर में निकाल रहे हो, तो फॉर एग्जांपल ये दो है, ये दो है, 2 इंच बाय 2 इंच, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, 4 स्क्वायर इंच। तो 4 स्क्वायर इंच से क्या करोगे, 2.34 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उतना टनेज वैल्यू आ जाएगा। एक आसान चीज है, आसान चीज है मोटा मोटा निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंजेक्शन प्रेशर को नहीं ले रहे, मोटा मोटा निकालने के लिए बता रहा हूँ, एक आइडिया निकालने के लिए कितने टनेज की मशीन लग जाएगी। क्लियर है? ठीक है, लेकिन जनरली आप हमेशा इस्तेमाल करो तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, यू कंसीडर द इंजेक्शन प्रेशर ऑल्सो फॉर द कैलकुलेटिंग द टनेज कैलकुलेशन। ठीक है, जब भी आप करते हो, ठीक है, अब जब भी आपने टनेज कैलकुलेशन को निकाल लिया, तो आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आपने सिलेक्ट करी है, उसका कुछ स्पेसिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा, उसकी कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगी। ठीक है, तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, कौन कौन से पॉइंट्स हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में भाई, बताए थे मैंने कुछ पॉइंट्स, सब किसी ने नहीं लिखे, वेरी गुड। देखो टनेज कैलकुलेशन बताया था, तो टनेज कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया है, क्रॉस चेक कर लिया है, तो हमको ये पता है कि 30 टन की मशीन भाई लगेगी हमारे एक डिजायर कंपोनेंट के लिए। अब सेकंड जो चीज है वो है शॉर्ट कैपेसिटी। देखना भाई, हम लोग डिजाइन नहीं करेंगे, और डिजाइन करने से पहले हम लोगों को बहुत सारी कैलकुलेशन और सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हमको समझना है थोड़ा सा, कि जब हम लोग मोल्ड को डिजाइन कर रहे हैं उससे पहले हमारी मशीन डिसाइडेड हो। चलो शॉर्ट कैपेसिटी इज द सेकेंड पॉइंट। ठीक है, शॉर्ट कैपेसिटी, अब कैसे, अब मान के चलो इसकी मैंने आपको बताई कि भाई 30 टन की मशीन के अंदर 68 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम है इंजेक्शन में, ये इसका वॉल्यूम है जो इसके अंदर पूरा का पूरा ये पोर्शन है, कि भाई इतना वॉल्यूम इसके अंदर मटेरियल भर सकता है। ठीक है, अब मुझे मटेरियल कौन सा भरना है, चलो बताओ मुझे जल्दी से, पीपी भरना है। पीपी की डेंसिटी कितनी होती है, अरे बताओ भाई, 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, यही होती है ना। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा किसी चीज का मास निकालना है आपको, तो मास बराबर कितना क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, राइट और रॉन्ग। अरे किसी चीज का मास निकालना है आपको ग्राम में अगर या केजी में, तो आपको क्या है, मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। डेंसिटी रो कर दो, रो मतलब डेंसिटी, है ना, क्लियर हुआ। तो मैं बोला पीपी की डेंसिटी कितनी है भाई, 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब को कैंसिल आउट कर दिया हम लोगों ने, तो 68 मल्टीप्लाई बाय 0.90, तो आपको मिला 61 ग्राम। मतलब इसका जो शॉर्ट कैपेसिटी है ना, वो मैक्सिमम कितनी है, 61 ग्राम की फॉर द पीपी मटेरियल। लेकिन अगर मैं पीपी मटेरियल भर रहा हूं, तो अब इससे क्या मुझे पता चला कि मेरा जो कंपोनेंट अवेलेबल है मेरे पास, जैसे मान के चलो ये कंपोनेंट है, अब ये कंपोनेंट का मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे इसका वेट देखना पड़ेगा, इसका मास देखना पड़ेगा, कि भाई इसका मास कितना है। तो इसका मास देखते हैं, तो इसके लिए हम लोग सॉलिड डेंसिटी पुट अप करते हैं, 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको कर दिया मैंने ओके। ठीक है, अब मैंने क्या करूंगा, इसका मास देखूंगा, चलो इसका मास कितना है भाई, इसका मास जो है वो है 0.014 केजी। ठीक है, इसको क्या करूंगा मैं, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट और रॉन्ग,
ग्राम में निकालने के लिए, ठीक है, तो कितना आएगा 14 ग्राम आएगा कि नहीं भाई, आएगा ना भाई 14 ग्राम। तो अगर मैं बोलूं भाई 60 ग्राम के अंदर मैं 14 ग्राम के कितने कंपोनेंट बना सकता हूं, 14 ग्राम के कितने कंपोनेंट बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं 4 कंपोनेंट बना सकता हूं, 5 कंपोनेंट कैसे बना सकता हूं। देखो 14 मल्टीप्लाई बाय 4 करो कितना हुआ, 56 के आसपास होगा शायद, है ना, 56 ग्राम, ठीक है। अरे कुछ पोर्शन 56 मैक्सिमम 4 बना सकता हूं, मुश्किल है 4 भी बनाना, ठीक है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं 56 ग्राम, ठीक है। तो 56 ग्राम तो बाकी फीड सिस्टम में भी तो आएगा ना कुछ, फीड सिस्टम में भी तो कुछ आएगा ना भाई। अरे वैसे आपके जो, हाँ बिल्कुल, आपके जो कंपोनेंट है, मान लो ये रहा कंपोनेंट, दो चाहिए कार, 4 कंपोनेंट है, इसके अंदर आप रनर भी तो दोगे ना कि बिना रनर के बना दोगे उसको, ठीक है, तो कम से कम 5 से 6 ग्राम का हमारा रनर भी होगा, तो 4 कंपोनेंट बनना भी मुश्किल है, 4 कंपोनेंट बनना भी मुश्किल है, आया कि नहीं समझ में, ठीक है। तो इससे आप, जैसे आपको ये पता चला, आपको ये पता चला कि भाई हमारी जो मशीन है वो 30 टन की मशीन है, और 30 टन की मशीन में हमारा जो शॉर्ट वॉल्यूम है वो 68 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, सेंटीमीटर क्यूब का है, तो उसके अंदर हम लोग 4 कंपोनेंट से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो कस्टमर को आपको गाइड करना पड़ेगा ना कि भाई सर 4 कंपोनेंट से आप ज़्यादा नहीं बना सकते, आप तो हमको 10 नंबर ऑफ कैविटीज़ बनाने के लिए बोल रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कस्टमर आपको बोलेगा सर तो फिर जो आपके पास कंपोनेंट है 14 ग्राम से उसको घटाकर 12 ग्राम कीजिए, तो हम उसकी वॉल थिकनेस को थोड़ा और कम करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे उसके अंदर 12 ग्राम का करेंगे, तो 12 ग्राम से हम लोग उसके अंदर कितने कंपोनेंट बना पाएंगे, फिर 4 कंपोनेंट बना सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? तो इस पड़ेगा, बिल्कुल सही, वो कस्टमर को हमको बताना पड़ेगा कि ये कंपोनेंट कहाँ पर यूज हो रहा है। जैसे आप मान के चलो इसको हम ये वाला जो कंपोनेंट है ये कहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है, ये सोप केस है, सोप केस है। अब इसकी वॉल थिकनेस अगर मैं 2 mm रखूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अरे भाई इसकी 1.8 भी अगर मैं इसकी थिकनेस रखूंगा तो फायदा ही है ना, क्योंकि इसको क्या है, इसको क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, सोप को रखने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इतनी स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है इसके लिए हमको, राइट और रॉन्ग? अगर कस्टमर को आप बोल सकते हैं 1.5 भी अगर इसकी थिकनेस करोगे ना तो भी बहुत है, इनफ है। क्लियर है ये चीज है, तो डिपेंड करता है कि उसका एप्लीकेशन कहां पर है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमको अभी ये समझ में आया कि भाई शॉर्ट कैपेसिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। 30 टन की मशीन में हमको पता चला कि शॉर्ट कैपेसिटी कितनी है, और डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट डेंसिटी, जो भी कंपोनेंट की, जो मटेरियल की डेंसिटी है उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या निकाला कि शॉर्ट कैपेसिटी उसके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, मैं शॉर्ट कैपेसिटी उतना शॉर्ट कैपेसिटी में काम कर पाएगा कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन दैट नंबर ऑफ कैविटी। अब है टाई बार डिस्टेंस, अच्छा टाई बार डिस्टेंस और मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ मशीन, मैक्सिमम एंड मिनिमम ओपनिंग ऑफ मशीन प्लेटन, इसका मतलब क्या हुआ? देखो टाई बार डिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि भाई ये वाला जो, चलो इसके अंदर क्या है, मैं एक आपको 1 मिनट